हेलो एवरीवन। हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी थी, ये कि बहुत बच्चे फालतू फालतू कमेंट कर रहे हैं कि आप बुक से छाप दे रहे हो, यही करना है तो हम लोग खुद से पढ़ लेंगे, यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर आप दिखाओ मत। ठीक है, तो ये सब कमेंट आप ही लोग में से, मतलब एक लड़के ने किया था मैंने देखा अभी, तो मैं कहना चाहूँगी यार मैं नहीं बुलाती हूँ अपने चैनल पे कि आओ वीडियो देखो, तुम लोग खुद आओ, मत आओ ना। अगर मत नहीं मन कर रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो क्यों देख रहे हो फिर? फालतू निगेटिव कमेंट करने से तुम्हारी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है सबको कि आंसर बता दे रहा हो, तो ठीक है मैं आंसर इस वाले वीडियो में एक भी क्वेश्चन के मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आपको जहाँ से मन करेगा जैसे मन करेगा आप खोज लेना पढ़ लेना। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ भी अगर आपको आंसर चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी सिर्फ आंसर शीट का। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लेना, लेकिन आज मैं क्वेश्चन के साथ वीडियो में आंसर नहीं बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीजेज एंड फॉरेन इन्वेडर्स? ए ल्यूकोसाइट, बी रेड ब्लड सेल, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी गॉल्गी एपारेटस। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो इन्फेक्टियस डिजीज और फॉरेन वेक्टर से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ रूट्स आर फाउंड इन सुगर केन? इसमें से कौन सा रूट है जो सुगर केन में पाया जाता है? ए प्रॉप रूट, बी स्टिल्ट रूट, सी पिनेमेटोफोर, डी नोडुलस रूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, गैनेथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? ए तित, बी जॉ, सी मैस्टिकेटरी सिस्टम, डी टंग। गैनेथोलॉजी जो है वो किसको कहा जाता है, कौन किस चीज़ की स्टडी को गैनेथोलॉजी कहा जाता है? तित के कि जॉ के कि मैस्केट्री सिस्टम के कि टंग के? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन बॉमन कैप्सूल इज फाउंड? ए लीवर, बी किडनी, सी हार्ट, डी स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन से ऑर्गन में बॉमन कैप्सूल पाया जाता है? लीवर में, किडनी में, हार्ट में या स्मॉल इंटेस्टाइन में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी? डॉक्टर ए डॉक्टर लेनियस पाउलिंग, बी डॉक्टर जोसेफ लिस्टर, सी रॉबर्ट कोच, डी लॉइस पैस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्टेप्स द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज द पार्ट ऑफ विच ऑर्गन? किसका ये पार्ट किस ऑर्गन का है? ठीक है, ए ईयर, बी नोज, सी नेक, डी हैंड। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज हाइड्रोफोबिया? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी वॉर्म। क्वेश्चन नंबर एट, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री? ए फिश, बी क्रैब, सी प्रॉन, डी स्नेल। क्वेश्चन नंबर नाइन, डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज ए एडवर्स सिंड्रोम, बी पाटाउ सिंड्रोम, सी मोनोग्लोबुलिज्म, डी नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रा आर फाउंड इन नेक? कौन सा इसमें है जो हमारे नेक में पाया जाता है? ए सर्वाइकल, बी थोरैक्स, सी लम्बर, डी नन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इलेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गिम्नोस्पर्म? इसमें से कौन सा गिम्नोस्पर्म है? ए कैशियो, बी चिलगोजा, सी पिस्टैशियो, डी नन ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट? इसमें से कौन थ्रोम्बोसाइट कहलाता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट, डी सीरम। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी में यूरिया कहाँ पे प्लेस करता है, कहाँ रहता है? ए पेनक्रियाज, बी किडनी, सी लीवर, डी लंग्स।
क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी वर्टिब्रा डज अ ह्यूमन बीइंग हैव? ए 33, बी 26, सी 29, डी 19। ह्यूमन बॉडी में कितने सारे वर्टिब्रे होते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम? कौन सा इसमें है जो लार्जेस्ट फाइलम है? ठीक है, ए मोलस्का, बी आर्थ्रोपोडा, सी मैमेलिया, डी एनालिडा। ठीक है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन? कौन सा इसमें हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है? ठीक है, ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी आयरन, सी वाटर, डी कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, प्लांट ग्रोइंग ऑन मर्शी एरिया आर कॉमनली कॉल्ड एज? जो प्लांट मर्शी एरिया में ग्रो करते हैं उसको क्या कहते हैं? ए ऑक्सिलोफाइट्स, बी लिथोफाइट्स, सी हेलोफाइट और डी पेसिलोफाइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, द एवरेज इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज? एवरेज इंटरनल टेम्परेचर क्या होता है ह्यूमन बॉडी का? ए 35 डिग्री सेल्सियस, बी 36 डिग्री सेल्सियस, सी 37 डिग्री सेल्सियस एंड डी 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द एवरेज एडल्ट हैज अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर? ए 5, बी 5.5, सी 6, डी 6.5। ठीक है, और उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पीपल लिविंग इन अ हाई एल्टीट्यूड लाइक माउंटेन यूजुअली हैव अ? जो पीपल हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं जैसे माउंटेन पे, पहाड़ों पे, वो उसके पास क्या आता है? ए स्मॉल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, बी लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, सी स्मॉलर नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल या डी लार्जर नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन और ये 20 क्वेश्चन का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने इसमें से किसी का भी आंसर नहीं बताया है, सब आप क्वेश्चन का आंसर खुद खोजोगे।